Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to another video. I'm your host Chawal Patel, and in today's video we're going to be talking about two important questions that can change your entire course of life. The first question is, what is life? And another question is, what is the purpose of this life? Let's get started. Now, before we dive deep into both of this question, let me tell you something, that why I am making this video today and what is my purpose on making this video. So, main Canada mein 2019 mein move ho gaya tha as a student. I did my computer programming, I got a job in IT sector, I did my job, but I was not getting that satisfaction, I was not getting that happiness from what I was doing. So that's when my journey of finding the answer to this question started. It was, I think, around in 2022 mein jahan pe mere ko ye hua ki yaar kya hai meri life, like what is the meaning of my life, hai na, ki mere life ka purpose kya hai, kyunki ek cheez mere ko pata lag gayi thi ki mujhe job karna pasand nahi tha. That's my personal preference. Mere ko achha nahi lagta tha ki bhai, hai na, ki like I wanted to like chase my dreams, I wanted to like follow my passion. That's when this two question made their way in my life and I started searching for the answer. And recently I would say बिकॉज ऑफ श्रीमद भगवद गीता, जब से मैंने श्री कृष्ण भगवान को अपनी लाइफ का सारथी चुन लिया ना, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया एंड इट इज़ फॉर रियल. कहते हैं ना कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर अगर आप कोई भी पन्ना उसका उठा के खोल के देख लोगे ना, आपको आपकी जो परेशानियाँ होगी, आपकी जो उलझन होगी, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, उसका आंसर मिल जाता है. सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई. सो दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज जो चीज़ मैंने सीखी है, आई रियली वॉन्ट टू शेयर दिस थिंग विथ यू ऑल टू हेल्प यू, यू नो, लाइक टू हेल्प यू फाइंड योर ओन पर्पस, फाइंड द मीनिंग ऑफ द लाइफ. Let's start with the first question. What is life? अब अगर simple language में अगर हम बात करें ना कि life क्या है, तो life is a journey that start when you take birth in this world and that ends when you die. It's a simple. It's a journey between B and D. बहुत जगह आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी. There is nothing new. It's the same thing. है ना, कि अगर जब से आप जन्मोगे वहाँ से ये journey start होगी, जब आप मरोगे वहाँ पे वो जर्नी एंड होगी. अब ये एक ऐसी जर्नी है जो अनप्रडिक्टेबल है ना. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर कर्म. आपका जो कर्म होगा, आप कैसे कर्म करोगे, उसका जैसा उसी के बेस के ऊपर आपको फल मिलेगा और उसी के बेस के ऊपर आपकी आगे की लाइफ लिखाती जाएगी, है ना. अब ऐसा दुनिया में आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई भी इंसान होगा दुनिया में जिसने अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं की होगी, बिकॉज गलती करना इट्स अ गुड थिंग. जब आप गलती करोगे तभी तो आप सीखोगे. इसका मतलब है कि आप कुछ ट्राई कर रहे हो. व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग देर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर यू गोना फेल, आइदर यू गोना सक्सीड. अगर आप फेल हो जाओगे देन यू गोना लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड यू गोना ट्राई समथिंग एल्स एंड यू गोना अवॉइड दोज मिस्टेक अगेन बाय डूइंग, लाइक फिर से आप वो मिस्टेक नहीं करोगे. दैट्स द ब्यूटी ऑफ डूइंग अ मिस्टेक, यू नो, यू गोना लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, यू गोना मूव ऑन एंड यू गोना नेवर रिपीट दैट मिस्टेक, है ना. दैट्स द लाइफ. Now let's talk about what is the purpose of life. ये बहुत ही interesting question है. ये चीज समझने में मुझे काफी time लग गया. I would say 27 years हो गए. But अगर purpose, life का जो purpose है उसे अगर समझना है ना, then you need to keep two things in your mind. एक हो गया आपका कर्म, कि कर्म क्या है, और एक हो गया आपका कर्तव्य, कि आपका कर्तव्य क्या है. This both words, this both ideas goes together very well. Let me explain. कर्तव्य हो गया आपकी ड्यूटी, जो भी आपकी ड्यूटी आपको मिली है ना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, तो मुझे मेरी को ड्यूटी सेट थी कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, अपने फैमिली को साथ लेके आगे बढ़ना है, उन सबका ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है, और ये हो गई मेरी ड्यूटी. अब इफ़ यू गोना रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटी और आप कोई और कर्म करना स्टार्ट कर दोगे, तो वो आपका जो कर्म और कर्तव्य का जो अलाइनमेंट होगा ना, वो बिगड़ जाएगा, राइट. एज सुन एज यू गोना फिगर आउट लाइक कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, मेक योर ड्यूटी, आपका जो कर्तव्य है उसको अपना कर्म बना दो, एंड देन सी कि कितना ईजी हो जाता है लाइफ में कुछ भी करना या फिर कोई भी बात में आगे बढ़ना. इट्स गोना बी सुपर ईजी. इट ऑलवेज गोज टुगेदर. और ये मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ. पिछले दो तीन हफ्तों से मैंने
गीता के 18 अध्यायों को एटलीस्ट 18 बार सुना होगा, क्योंकि एक बार सुनने में तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, राइट? यू हैव टू लिसन टू इट ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार आपको वही चीज़ सुननी पड़ेगी, तब जाके आपके सारे जो क्वेश्चंस हो गए आपके दिमाग में वो अपने आप ही सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? नाउ मैंने कैसे अप्रोच किया अपने पर्पस को ढूंढने में, तो जब मैं जॉब कर रहा था अपने आईटी सेक्टर के अंदर, जॉब अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट एक चीज़ थी कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे ये हो रहा था कि यार कुछ तो कमी है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई पैशन, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ, है ना? तब जाके मुझे समझ आने लगा कि ओके, मेरी लाइफ में मुझे इसको अपना पर्पस बनाना है. तब कीप वन थिंग इन माइंड, तब मुझे ये कर्म और कर्तव्य के बारे में कुछ नहीं पता था. सो आई वॉज बेसिकली जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. आई वॉज लाइक, कहते हैं ना कि एक डायरेक्शन लेस बंदा था मैं, मुझे नहीं पता था कि मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ. दैट्स वैन भगवद गीता, श्रीमद भगवद गीता एंटर्ड माई लाइफ. श्री कृष्ण भगवान आए, उन्होंने जैसे वो अर्जुन के सारथी, जैसे वो श्री कृष्ण भगवान आए, जैसे वो अर्जुन के सारथी बने थे, द सेम वे मैंने उनको अपनी लाइफ का सारथी चुना, एंड थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज फॉर गुड, है ना? मुझे मेरा कर्तव्य समझ आया, उसके बेस पे मैंने अपना कर्म चुना, और उन दोनों के बेस पे मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आए. एक ऐसे बदलाव कि जिसने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव जो था लाइफ के बारे में वो चेंज कर दिया. पहला जो बदलाव आया वो मेरे थॉट में आया, माय थॉट प्रोसेस इट चेंज कम्प्लीटली. दूसरा बदलाव जो आया वो मेरे कम्युनिकेशन के अंदर आया. तीसरा बदलाव आया, मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ गई, एक ऐसी मोटिवेशन कि पहले मैं ऐसा था ना कि लाइक आई वाज लाइक काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन, राइट? कि दुनिया के बारे में सोचना, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये करूँगा तो ये क्या कहेंगे, ये सब सोचना. ऑल दिस नेगेटिव थॉट दैट अफेक्ट यू फ्रॉम नोइंग योर पर्पस ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें एक ऐसी चीज़ें है ना कि जो आपको अफेक्ट करेगी, आपको रोकेगी आपके पर्पस को चेज करने में. लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन फाइंड योर लाइफ पर्पस, है ना? टू फाइंड योर लाइफ पर्पस, स्टार्ट बाय फाइंडिंग व्हाट्स योर ड्यूटी इन योर लाइफ. जो ड्यूटी आपके लक में, आपके लाइफ के अंदर ऑलरेडी लिखी हुई है, आप उनसे भाग नहीं सकते. अगर आप उनसे भागोगे देन यू वोंट बी एबल टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, और अगर आपने ढूंढ भी लिया तो आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे. बिकॉज ड्यूटी, उसके बाद आता है कर्म, कर्तव्य आता है, फिर कर्म आता है, और फिर आता है लाइफ का पर्पस. लाइफ का पर्पस, ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई ना, फिर आपका जो लाइफ का पर्पस होगा ना वो समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा. कैसे? लेट्स से कि अगर आप एक ऐसी जॉब में हो या फिर एक ऐसे कोई बिजनेस में हो जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, लाइक आप यू नॉट फीलिंग दैट स्पार्क, दैट पैशन, है ना, कि जो खुशी महसूस होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, राइट? दैट मीन्स कि दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या वो, या फिर आप वो चीज़ इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपको करनी पड़ रही है, है ना? अब नाउ जब आप कोई चीज़ आप करते हो जो कि आपको करनी पड़ रही है, जो कि आपके दिल से नहीं निकल रही है, तो उसके अंदर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पीस ऑफ माइंड, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द ग्रोथ ऑफ योर सोल, है ना? आपकी जो आत्मा है उसका आप ग्रोथ उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना? बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग विच यू डोंट रियली वॉन्ट टू डू, है ना? तो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि यू स्टार्ट फाइंडिंग द ड्यूटी. एक ऐसी आपके जो ड्यूटी है, लाइक उससे अगर आप भाग रहे हो देन ऑफकोर्स देर इज अनदर रीजन वाई यू आर नॉट हैप्पी इन वॉट यू आर डूइंग, है ना? क्योंकि आप अपनी ड्यूटी से ही भाग रहे हो तो आपके आसपास के जो लोग होंगे, जो आपसे एसोसिएट होंगे, स्पेशली योर पेरेंट्स, योर ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, वो सारे भी उससे खुश नहीं रह पाएंगे. थिंग इज दैट वंस यू नो द ड्यूटी, वंस यू नो योर कर्म, एंड वंस यू नो both of this thing, it's easier to find the life purpose. It's as simple as that. ये वीडियो काफ़ी रैंडम बनाई है मैंने. आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस वीडियो. आई जस्ट गॉट द थॉट. आई थॉट लाइक इट्स बेटर टू शेयर दिस विथ यू ऑल बिकॉज इट हेल्प मी इन मैनी वेज. आई एम ऑल्सो ऑन माई जर्नी ऑफ इम्प्रूविंग माई सेल्फ, ऑफ फॉलोइंग माई पैशन. दैट्स वाई लाइक अगर आप मेरी पिछली वीडियोज देखोगे यूट्यूब के ऊपर, दिस इज गोन बी माई 22nd वीडियो, है ना? बहुत ही रैंडम वीडियोज मैंने डाली हुई है बिकॉज अगेन लाइक द फर्स्ट वीडियो आई पोस्टेड वॉज इन 2022. दैट्स वन आई स्टार्टेड, है ना? बट अगेन लाइक मैं बस रैंडम वीडियोज बना रहा था. अगेन आई वॉज एट दैट पॉइंट आई वॉज इन सर्च ऑफ दिस
answer to these both the questions, है ना. सो आई एम स्टिल गेटिंग कम्फर्टेबल बट एटलीस्ट नाउ आई नो कि मेरा पर्पस क्या है एंड आई एम गोना स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स दैट. आई एम गोना स्टार्ट इम्प्रूविंग माई सेल्फ. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट मोर वीडियोज अबाउट सेल्फ ग्रोथ, अबाउट मोटिवेशन, यू नो, फॉलोइंग द पैशन एंड एवरीथिंग ऑन माई दिस यूट्यूब चैनल. सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, थैंक यू सो वेरी मच. छोटी मोटी जो गलतियाँ हैं वो प्लीज़ इग्नोर कर देना. एंड इफ़ यू लाइक द कॉन्सेप्ट, इफ़ यू लाइक वट माई थाट्स आर, इफ़ यू कैन रिलेट विथ माई आइडियाज, शो योर सपोर्ट बाय हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन. लिव योर थाट्स इन द कॉमेंट सेक्शन, है ना. नीचे अब डालो, उसमें लिखो कि आप क्या सोचे, आपने क्या थाट आया आपके दिमाग में ये वीडियो देखने के बाद, है ना. लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, एंड लेट्स गो टुगेदर इन दिस जर्नी वेयर आई एम प्रिटी श्योर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग एंड आई वुड लव टू शेयर वट एवर आई लर्न इन माई दिस जर्नी. इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ ब्यूटिफुल जर्नी फॉर माई सेल्फ एंड इट्स जस्ट सो मच मोटिवेटिंग, है ना. लाइक इतनी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस हिसाब से मैं वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा. आई नेवर थाट ऑफ, मैं वॉज कहते ना कि आई वॉज सो इंट्रोवर्ट, आई वॉज लाइक इतना ज़्यादा मैं डरता था कि यार लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे. बट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हैविंग समवन इन योर लाइफ, है ना, कि जो एक ऐसा कोई है जैसे कि श्री कृष्ण भगवान, जो कि आपको एक सही रास्ता दिखाते हैं. वो आपको बस एक ही चीज़ सिखाते हैं कि बस कर्म किए चल, फल की चिंता मत कर. और लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, वो तो उनका काम है, राइट. क्रिटिसिज्म तो होनी है. लाइक व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल, कुछ अलग ही करते हो आप, तो ऑफ कोर्स उसमें एक होता है ना कि एक ओवरनाइट सक्सेस दिख जाती है, लेकिन उसके पीछे के जो सारे जो फेलियर्स होते हैं ना वो नहीं दिखते हैं. बट मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ ना कि लाइक अपने वो जो डर है मेरा कि यार लोग क्या कहेंगे, बस ये वीडियो से मैंने वही निकालने का ट्राई किया है. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.